बच्चे ऐसे हैं जो चंपारण से चले 1100 किलोमीटर चल के यहाँ पे 10 दिसंबर को यहाँ पे आए हैं दिल्ली में। आज की तारीख में आप चले जाओ, एक सिंगल स्टूडेंट गांव के बाहर में तैयारी अग्निवीर करता हुआ नहीं मिले। वही लड़के जा रहे हैं जो मजबूर है सरकार के इस फैसले से, हम सब लड़के सुसाइड करें। सरकार कहीं धक्के खा रहे हैं, लड़का मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, उसको ताने मारते हैं पड़ोसी। इसमें सर ये 2019, 2020, 2021, 2022 जिसमें भर्तियां होनी थी फौज में, उसकी अनाउंसमेंट्स हुई और उसका प्रोसेस ड्यू प्रोसेस एयरफोर्स की तकरीबन 7000 वैकेंसी और तकरीबन 90000 के आसपास वैकेंसी फौज की 2020 में या 21 में इनका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, सिलेक्शन सिलेक्ट हो गया। अचानक अग्निवीर आई और इन लोगों को झांसा देते गए कि भी अभी ज्वाइन कराएंगे, अभी कराएंगे, एक एक महीना लेट करते चलेंगे और अभी तक आज तक की ज्वाइनिंग। तो ये वो लोग हैं जो देख रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग दी जाए और फौज में एज का रिलैक्सेशन देके भर्ती किया जा सकता है और अग्निवीर लाने की वजह से ये बेरोजगार रह गए, इनकी ज्वाइनिंग का इशू। मैं बताता हूँ, जैसे कि 21 साल के उम्र में हमारी भर्ती हुई सर, लगभग 2 साल हमें मतलब भ्रम में रखा गया कि अब आपकी भर्ती होगी, अब आपकी भर्ती होगी। और उस दौरान सर हम लोग राजनाथ सिंह जी से भी मिले, बस उनका आश्वासन मिला, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं मिला। देश सेवा करने का जज्बा जुनून हमारे अंदर शुरू से ही है सर, और आज भी अगर मौका मिले सर तो तैयार हूँ सर। 4-5 साल मेहनत किया हूँ तब जाकर सर डॉन मेडिकल क्लियर हुआ था। लास्ट बारी था, इस बार ओवर एज भी होने वाला था, इस बार बहुत मेहनत किया था सर तब जाकर मेरा भर्ती क्लियर हुआ था। लगभग ऐसे 1.5 लाख युवा है जो मतलब हर तरह से क्वालिफाई है, केवल ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग पे जाना बाकी था सर। आप में से कितने लोगों के फादर या रिश्तेदार आर्मी में है? बाबा एंड पापा दोनों ही थे, उन्होंने से हमने सीखा हमें आर्मी में जाना है। अग्निवीर के थ्रू हमें नहीं गए थे, हम पुरानी भर्ती के थ्रू गए और हम वही अब डिमांड कर रहे हैं कि जो पुरानी भर्ती जो हमारी है उन्हीं के तहत हम जाना चाह रहे हैं। तो हमें आपकी मदद करने के लिए क्या कोशिश करनी चाहिए, हम किस रास्ते पे चले? सरकार के इस फैसले से बिहार में बहुत सारे लड़के सुसाइड कर लिए, 64 लड़के सुसाइड किए। एक बुजुर्ग माँ बाप के 2 बेटे थे, उनके बुढ़ापे का लाठी वही था दोनों, और इस फैसले से सरकार के दोनों ने सुसाइड कर लिया। बट अगर आप 150,000 लोग हो तो अगर आप थोड़ा भी संगठित हो जाओ तो जो आप करवाना चाहते हो सरकार को करना पड़ेगा। 90% लोगों को मालूम ही नहीं। बात यह है कि आपको जो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए था, ठीक है, अगर सरकार ने निर्णय ले लिया कि भैया हमें अग्निवीर करना है, वो ठीक है, वो उनकी बात है, मगर जो आपने अपना समय दिया, जो आपने मेहनत की, जो उन्होंने आपको पहले एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको मिलना चाहिए, जो भी हो, या एज रिलैक्सेशन हो या कुछ और हो, कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन तो होनी चाहिए। जो सर हमें डिले का जो नोटिस मिला था लास्ट टाइम, तो वो मिला था 31st May 2022 और 14 जून को सर ये लेके आ गए थे, 15 दिन बाद सर अग्निपथ आ गए था, उसमें सर कैंसिल कर दिया। मतलब उनको पहले से मालूम था? जी सर। सर नोटिस में ये बोला जाता था कि अब ये डिले है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से, जल्दी होगी भर्ती पूरी, कभी हमें ये नहीं बोला कि आपकी भर्ती कैंसिल कर दी जाएगी। और ये आपकी चिट्ठियां हैं? चिट्ठियां हैं, दिखाओ जरा। ये सर ये नोटिस है सर, 1 ईयर तक सर यही अपडेट आता रहा, ये वेबसाइट पर अपडेट था सर। ये राजनाथ सिंह जी का लेटर है जो उन्होंने हमको दिया था, और ये सर बच्चों का डेलीगेशन गया था राजनाथ सिंह जी से मिलने, उसका फोटो है। 10 जुलाई को सर हमारी जूनियर लेटर आ जानी थी 2021 में। ये सिलेक्टेड लड़के हैं? यस सर। सर ये मेडिकल के बाद जो फिट और अनफिट के लिस्ट सर, ये बहुत लंबी लिस्ट है, 4800 के आसपास इसमें बच्चे हैं। सर मैंने एक डेटा और निकाला, इन्होंने 2021 के अंदर एक रिक्रूटमेंट और निकाली एयरफोर्स में, वो उसमें 6,34,000 फॉर्म आए, 6,34,000 स्टूडेंटों से टोटल 15,27,000 के समथिंग का अमाउंट वो है। पर इससे पहले जो आर्मी के जो टोटल जितने थल सेना के उसमें जितने स्टूडेंट कलेक्ट भर्ती देखी थी वो 97 भर्तियां थी, जिसमें लाखों बच्चों ने उसमें फॉर्म अप्लाई किया था। अच्छा, 34 लाख × 20 × 250 15 करोड़ 100 करोड़ ले गए। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देट अकॉर्डिंग टू मी? गवर्नमेंट। आज की तारीख में आप चले जाओ, एक सिंगल स्टूडेंट गाँव के बाहर में तैयारी अग्निवीर करता हुआ नहीं।
सकता है। अब वही लड़के जा रहे हैं जो जो मजबूर मजबूर है, मजबूर पूरे चार साल, जिसको ये है कि थोड़ा बहुत पैसा जो मिलेगा उससे हमारे घर की थोड़ी हालत सुधर जाएगी। सर वही लोग जा रहे हैं जो पहले सिस्टम था जिससे आर्मी एक रिक्रूट की पूरी रक्षा करती थी, मतलब जिस दिन वो अंदर आता था उस दिन के बाद से जब वो मरता था तब तक आर्मी का सपोर्ट रहता था। अगर शहीद हो जाए तो एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता था, मगर अगर नॉर्मल लाइफ जिए तो जिस दिन वो मरता था तब तक आर्मी उसके साथ रहती थी, और अगर वो मर जाए तो उसकी फैमिली के साथ उसके बाद भी रहती थी। तो आपने मान लो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर लिया, मैंने मतलब मैंने टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर लिया और जो जवान है उस पर इन्वेस्ट नहीं किया तो टेक्नोलॉजी कैसे चलेगी? टेक्नोलॉजी को जवान ही तो चलाएगा, कौन चलाएगा? अगर ये अग्निवीर में चार साल में भर्ती होके निकल जाएगा तो हमें स्पेशलिस्ट जो मिसाइल का बटन दबाने के लिए, टैंक चलाने के लिए, गनर और रिपेयर मेंटेनेंस उसके लिए चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो उन्होंने दो चीज़ों पर टारगेट किया, किसान एंड जवान। किसान में जो था इन्होंने वो तीन बिल लेके आए थे, एक उस तरीके से, दूसरा इन मतलब उनकी इकोनॉमी को किसी तरीके से, क्योंकि सर मेरे को ऐसा लगता है कि वो लड़ाके हैं, हर चीज़ में जो भी चीज़ लोकतंत्र के खिलाफ हो रही है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं। वो किसान कौम के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं किसान से रिलेटेड है मैक्सिमम। आप में से कितने लोगों के फैमिली किसान की है? किसान फैमिली सारी की सारी, सारी किसानों की फैमिली। किसान को आप कैसे भी करके इकोनॉमिकली रूप से डाउन कर दो और वो सिर्फ रोजी रोटी पर निर्भर हो जाए तो वो लोग वो आवाज़ नहीं उठा पाएगा सरकार के खिलाफ। मैंने 12th पास किया और उसके बाद से ही ये प्रोसीजर चालू किया और अब आके लास्ट में यही था ऑप्शन, यही बचा था, अब ये भी टूट गया। अब बस कोई इच्छा ही नहीं होती जीने की, है कि शायद हमारा ये प्रोसेस पूरा हो जाए और हमें ये मौका मिल जाए, बाकी कुछ नहीं बचा है। एक फौजी के पीछे सर कितने परिवार के सारे सदस्य रोटी खा लेते हैं सर, हर कहीं धक्के खा रहे हैं, लड़का मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। कहाँ है लड़का? हरियाणा में ही है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उसको ताने मारते हैं पड़ोसी, आगे सारे नकली फौजी है तो यहीं घूम रहा है, ऐसे ही रिश्ता कर लिया, बेइज्जती हो रही है, उसको निकलने नहीं देते, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, कोई त्यौहार नहीं, कोई फंक्शन नहीं, उसके अब BSC का पेपर चल रहे हैं सर्री के, वो करवा रहा हूँ उसको क्लियर, और क्या करूँ मैं बेटा, ये तो कर ले तू। खेती बाड़ी करते हैं सर, क्या करें, कर्जा लेके बड़ी मुश्किल से पढ़ाया उसको, साइंस की किताबें पढ़वाई यार, फिर उसके बाद में अब तो सोचा समस्या खत्म हो गई, अब आराम से गंगा नहाएंगे, और उसके बाद में ये प्रोसेस और बढ़ा दिया, कोर्ट में जाओ और फिर उसके बाद में प्रोटेस्ट करो, यानी दो लाइन और करो नोटिफिकेशन में ऐड। आर्मी के अलावा दूसरा कुछ सोचा ही नहीं था सर, सर दिन रात ये करके मेहनत किया था, 8 साल मेहनत किया हूँ तब जाकर सर दो मेडिकल क्लियर हुआ है सर, हमें जिंदा लाश बना दिया गया है सर, इससे बड़ी होता कहीं खड़ा करके 63 सुसाइड। एक बात तो लॉजिक से बाहर है, अगर इन्होंने एंट्री कर ली तो फिर अग्निवीर में इनको ऑटोमेटिकली एंट्री दे देनी चाहिए थी। वो भी नहीं पूछा सर, वो तो कम लॉजिक तो कम से कम होना चाहिए, ऑप्शन दिया है अग्निवीर में जाना है तो कम से कम एक रिक्रूटमेंट तो कंप्लीट हो जाती, वो भी नहीं किया। 4 साल के बाद ये दोबारा लड़ाई लड़ते हैं कि हमें 25% में आना है जी, ठीक है कम से कम वो प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाता, उसमें मतलब उसमें उनका कुछ खोएंगे भी नहीं, वो क्या खोएंगे, कुछ भी खोना भी नहीं है, मतलब एक मतलब थोड़ी टाइम के लिए आपने कहा कि ये जो पहले पास हो गए थे इनको पहले डाल दो, बस उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसीजर तो चलता आ ही रहा था, ये बच्चे तो उसके लिए, तो फिर वो क्यों नहीं किया इन्होंने? सर सीधी सी बात है, बेरोजगारी फैलाना सर, क्योंकि अभी भी यूपी में आया सर, यूपी पुलिस का लगभग 60,000 प्लस वैकेंसी, उसमें भी सर हमारा एज कम कर दिया गया, अपनी भर्ती के लिए जी जान से मेहनत की तो सर हम उसी भर्ती को लेंगे। अच्छा अगर उन्होंने कहा वो भर्ती तो किसी भी हालत में नहीं देंगे तो फिर क्या करोगे, फिर क्या चाहोगे? तो सेकंड ऑप्शन सर कभी सोचा ही नहीं है सर, आप खुद सोच लो 34 लाख में 1.5 लाख लेना, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसको। जैसे आपका आपके बेटे को कह रहे हैं कि ये तो सच्चा सिपाही नहीं है, तो मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, वो निकल नहीं पाता घर से, डिप्रेशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, वो बात ही नहीं करता किसी से, बीमार थे सर हम टेंशन से, सारे लड़के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं,
एग्जिस्टेंस सर हम डिफेंस के लिए मेहनत कर रहे थे उस टाइम साथ के बच्चे सर इधर उधर घूम रहे थे अपना खेल रहे थे कुछ भी कर रहे थे आज सर वो सब एम्प्लॉयड हैं और हम सर बेरोजगार होने के बाद भी बेरोजगार सर होंगे सर ये बात भी है ये दिखाया गया कि बच्चों ने तोड़ फोड़ की जो नुकसान किया देश का ये नहीं दिखाया गया किस बात के लिए तो मुझसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर मुझे क्या करना चाहिए एक ही उम्मीद है कि आपको इस बात को असेंबली में नहीं मैं तो रख दूंगा पार्लियामेंट पे रख दूंगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर आप ठीक है कहाँ से लेके आए हैं सर आप दरवाजे से कि हमारा भी कुछ हो आपके साथ मिलकर कुछ ना कुछ तरकीब तरीका तो निकालते हैं ठीक है थैंक यू सर थैंक यू